हाँ, तो हमने लास्ट टाइम एक चार्ट डिस्कस किए थे, उसके हिसाब से आज क्वेश्चंस करेंगे। इसमें हमको क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक, हमारे हमको जैसे पता है कि तीन कंडीशन होते हैं, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन और हमारा एक इन्फिनाइट सोल्यूशन का केस होता है। तो हम लोग अभी नो सोल्यूशन का केस ले रहे हैं, ये एक एग्जाम्पल रहेगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चन इन्फिनाइट सोल्यूशन में भी हम लोग कर पाएंगे। ठीक है, जब हमारे तीन टाइप के क्वेश्चन बनेंगे हमारे तीन अलग टॉपिक के साथ, तो उस क्वेश्चंस को करने हैं। ठीक है, बस हमको एक ही बात याद रखना है, कंडीशंस को। ठीक है, अब मैंने बताया था कि इसमें जब भी हमारे पास डबल वेरिएबल मेथड रहेगा तो उसमें a1 b1 और c1 निकालने का तरीका कैसे होगा। तो जैसे इसमें a1 क्या होगा तुम्हारा, a1 क्या है तुम्हारा, 8 है। 8 कौन होता है, जो x के साथ है फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक है, तो a2 क्या होगा तुम्हारा, a2 क्या होगा, k हो गया। ठीक है, यहाँ पर k। b1 क्या हो गया, b1 क्या हो गया, 5 हो गया। और b2 क्या हो गया, b2 क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, c1 क्या हो गया, 9 हो गया। और c2 क्या हो गया तुम्हारा, 15 हो गया, बराबर है। ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे हम लोग, अब देखेंगे हमको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो k की वैल्यू हम इन दो से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इससे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, a1 by a2 is equal to b1 by b2 से निकाल सकते हैं, a1 by a2 और c1 is not equal to c1 by c2 से भी हम लोग निकाल सकते हैं, इसमें ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमारे पहले कंडीशन मिल रहा है, तो हम पहले कंडीशन निकालते हैं a1 by b1। ठीक है, तो क्या निकलेगा यहाँ पर, a1 by a2 is equal to b1 by b2। ठीक है, a1 की वैल्यू क्या है तुम्हारी, 8 है। ठीक, और b1 की, a2 की वैल्यू क्या है तुम्हारी, k है। b1 की वैल्यू क्या है तुम्हारी, 5 है। और 10, ठीक, तो क्या हो गया, 8k इज इक्वल टू 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 × 2 इज इक्वल टू के, इसको कर लो। ठीक, हम लोग जब इस कंडीशन पे निकालेंगे तो ये दूसरा आंसर आ भी सकता है। ठीक है, ठीक है, नो सोल्यूशन केस हो गया। और एक एक इन्फिनाइट सोल्यूशन का केस लेते हैं ना, इन्फिनाइट सोल्यूशन। ठीक है, इन्फिनाइट सोल्यूशन क्या होता है, a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2। ठीक, और ये होगा c1 by c2। ये सी कंडीशंस है, ठीक है, इन्फिनाइट सोल्यूशन के। ठीक, अब इसे क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। ठीक, ये है क्वेश्चन नंबर 5th का 3rd क्वेश्चन है। ठीक है, और एक उससे पहले वाला क्वेश्चन 4th का था। ठीक है, तो क्या हो गया, kx + 2y इज इक्वल टू -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद क्या है, 5x - 3y + 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको जिस नॉर्मल फॉर्म में चेंज करके हम लोग सॉल्यूशन करते हैं उसको उस फॉर्म में ले आते हैं। जैसे x के फॉर्म में लाते हैं तो इसको कैसे करेंगे, kx + 2y = 4। ये 4 उस तरफ चला गया। ठीक, अब क्या होगा इसके बाद, 5x - 3y = -6। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं हम लोग, अब यहाँ से a1 b1 और c1 की वैल्यू निकालते हैं। तो a1 इज इक्वल टू के, a2 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू 2 एंड b2 इज इक्वल टू -3 एंड c1 इज इक्वल टू 4 एंड c2 इज इक्वल टू -6। ठीक है, हम किसी हमारे में ये कंडीशन से फुलफिल हो जा रहा है, तो हम पहला इक्वेशन को ड्रॉ करके उसी से शॉर्ट आउट करके सोल्यूशन निकाल लेंगे। तो a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2, कोई भी इक्विवेलेंट हम लोग इक्वेशन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर a1 क्या है तुम्हारा, k है। a2 क्या है तुम्हारा, 5 है। और b1 क्या है, 2 है। और b1 2 है और ये -3 है। ठीक है, तो 2k - 3 × k इज इक्वल टू 5 × 2। ठीक है, क्योंकि -k इज इक्वल टू 5 × -3। ठीक है, क्या हो गया, 10 / -3। तो k की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, k की वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, 10 / -3 और -10/3। ठीक है,